नमस्कार दोस्तों, ट्रू क्राइम एपिसोड्स चैनल में एक सच्ची घटना के साथ आपका फिर से स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और हाँ दोस्तों, घटना के बारे में कमेंट करके अपने विचार जरूर रखें। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमें आपके सहयोग की बहुत जरूरत है। तो चलिए कहानी शुरू करें। मुंबई से सटे जिला थाने की तहसील अंबरनाथ के गांव नेवाली आकृति चाल में रहने वाले कुछ लोग सुबह काम के लिए निकले तो गांव से कुछ दूरी पर घनी झाड़ीपों के बीच उन्हें प्लास्टिक का एक सुंदर और बड़ा सा कैरी बैग पड़ा दिखाई दिया। तेज बारिश होने के बावजूद उस पर खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे, इसलिए लोगों को यही लगा कि इसमें किसी की लाश भरी है। मामला गंभीर था, इसलिए थोड़ी ही देर में वहाँ भीड़ लग गयी। किसी ने इस बात की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी। वह इलाका थाना हिल लाइन के अंतर्गत आता था, इसलिए पुलिस कंट्रोल रूम ने यह सूचना थाना हिल लाइन पुलिस को दे दी। सूचना मिलने के बाद ड्यूटी पर तैनात असिस्टेंट इंस्पेक्टर पढ़ार ने कार्रवाई करते हुए सच्चाई का पता लगाने के लिए नेवाली गांव स्थित पुलिस चौकी पर तैनात सब इंस्पेक्टर दंगड़ू शिवराम अहिरे और पुलिस कांस्टेबल शेषराव वाघ को घटना स्थल पर भेज दिया। सब इंस्पेक्टर दगड़ू शिवराम अहिरे और कांस्टेबल शेषराव वाघ गांव नेवाली पहुंचे तो गांव से कुछ दूरी पर उन्हें भीड़ लगी दिखाई दी। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि लाश वहीं पर पड़ी है। उन्होंने वहां जाकर सबसे पहले तो उस कैरी बैग को झाड़ीपों से बाहर निकलवाया। गांव वालों की मौजूदगी में जब उसे खोला गया तो उसमें प्लास्टिक की मोटी थैली में एक युवक की लाश को तोड़ मरोड़ कर भरा गया था। लाश बाहर निकाली गई। मृतक 27 से 28 साल का युवक था। किसी तेज धार वाले चाकू से उसका गला काट कर हत्या की गई थी। सांवले रंग का वह युवक शरीर से ठीक ठाक था, इसका मतलब हत्या में एक से अधिक लोग शामिल रहे होंगे। दगड़ू शिवराम अहिरे और शेषराव वाघ ने इस बात की जानकारी सीनियर इंस्पेक्टर मोहन बाघमारे को दी। सूचना मिलते ही अपनी टीम लेकर घटना स्थल के लिए रवाना हो गए। उनके पहुंचने तक प्रेस फोटोग्राफर, डार्क स्क्वायड की टीम के अलावा एडिशनल पुलिस कमिश्नर बसंत जाधव और असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर डी जगताप वहां पहुंच चुके थे। डार्क स्क्वायड और प्रेस फोटोग्राफर का काम खत्म हो गया तो घटना स्थल और लाश का निरीक्षण किया गया। इसके बाद लाश की शिनाख्त की बात आई तो भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने मृतक की शिनाख्त कर दी। मृतक का नाम संजय हजारे था। वह अपनी पत्नी अनुभा, एक बच्ची और दोस्त दीपांकर पात्रा के साथ कुछ दिनों पहले ही वहां रहने आया था। मृतक की शिनाख्त होते ही मोहन बाघमारे ने एक सिपाही भेजकर मृतक की पत्नी अनुभा को घटना स्थल पर बुलवा लिया। अनुभा पति की लाश देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। पुलिस ने उसे समझा बुझाकर शांत कराया और वहां की सारी औपचारिक कार्रवाई पूरी कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला मध्यवर्ती अस्पताल भिजवा दिया। इसके बाद पुलिस थाने लौट आई थी। थाने लौट कर मोहन बाघमारे ने अपने स्टाफ के साथ सलाह मशविरा करके हत्या के इस मामले की जांच इंस्पेक्टर जितेंद्र आगरकर को सौंप दी। जितेंद्र आगरकर ने सहयोगियों के साथ जांच शुरू की तो उन्हें मृतक संजय हजारे की पत्नी अनुभा और साथ रहने वाले उसके दोस्त दीपांकर पात्रा पर शक हुआ, क्योंकि घटना स्थल पर जब अनुभा रो रही थी तो उन्होंने महसूस किया था कि पति की मौत पर कोई पत्नी जिस तरह रोती है वैसा दर्द अनुभा के रोने में नहीं था। वह दिखावे के लिए रो रही थी, इसलिए उन्होंने जांच की शुरुआत अनुभा और दीपांकर से शुरू की। उन्होंने दोनों को थाने बुलाकर पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस ने जब अनुभा से पूछा कि यह सब कैसे हुआ तो नजरें चुराते हुए उसने कहा कि कल रात उनका अंडे खाने का मन हुआ तो वह अंडे लेने निकले, लेकिन वह गए तो लौट कर नहीं आए। मुझे लगा कि बारिश तेज हो रही है इसलिए वह कहीं रुक गए होंगे। रात 12 बजे तक मैंने उनका इंतजार किया, उतनी रात तक भी वह नहीं आए तो मैं बेटी के साथ सो गई। दीपांकर पात्रा के बारे में पूछा गया तो उसने उसे अपना मुंह बोला भाई बताया। उससे भी पूछताछ की गई, उसने अनभिज्ञता जाहिर करते हुए खुद को निर्दोष बताया। अनुभा का बयान जितेंद्र आगरकर के गले नहीं उतर रहा था। जिस औरत का पति रात को घर न आए भला वह निश्चिंत होकर कैसे सो सकती है। इसके अलावा दीपांकर ने पूछताछ में जो बयान दिया था वह अनुभा के बयान से एकदम अलग था। अनुभा ने उसे मुंह बोला भाई बताया था, जबकि दीपांकर ने खुद को उसका दूर का रिश्तेदार बताया। इसी वजह से अनुभा शक के घेरे में आ गई थी। पुलिस को लग रहा था कि किसी न किसी रूप में अनुभा पति की हत्या में शामिल है।
लेकिन पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत न होने की वजह से पुलिस उस पर सीधा आरोप नहीं लगा पा रही थी। पुलिस सबूत जुटाने के लिए वहां पहुंची, जहां संजय अनुभा के साथ पहले रहता था, क्योंकि शिनाख्त के दौरान लोगों ने बताया था कि मृतक यहां कुछ दिनों पहले ही रहने आया था। अनुभा और दीपांकर ने पूछताछ में बताया था कि यहां आने से पहले वे अंधेरी पूर्व के गौतम नगर में रहते थे। जितेंद्र आगरकर ने अपने सहयोगियों को गौतम नगर भेजकर संजय और उसकी पत्नी के बारे में पता किया तो वहां से पता चला कि संजय और उसकी पत्नी अनुभा के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। झगड़े की वजह थी अनुभा के संजीव शिना रॉय के साथ के अवैध संबंध। संजीव पहले उनके साथ ही रहता था, बाद में उसे अलग कर दिया गया था। इसके बावजूद अनुभा उससे मिलती रहती थी। जांच टीम के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण थी। पुलिस ने तुरंत संजीव को हिरासत में ले लिया। थाने लाकर जब उससे पूछताछ की गई तो हर अभियुक्त की तरह उसने भी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को पूरा विश्वास था कि हत्या इसी ने की है, इसलिए पुलिस ने उससे सच उगलवा ही लिया। इसके बाद अनुभा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में अनुभा और संजीव ने संजय की हत्या की जो कहानी सामने आई वह काफी चौंकाने वाली थी। दरअसल संजय हजारे पश्चिम बंगाल के जिला 24 परगना के वीरभूम का रहने वाला था। चूंकि उसके यहाँ सोने चांदी के गहने बनाने और उन पर नक्काशी करने का काम होता आया था, इसलिए थोड़ी बहुत पढ़ाई करके वह भी यही काम करने लगा था। गांव में उसकी एक छोटी सी दुकान थी, जिससे इतनी आमदनी नहीं होती थी कि परिवार का गुजर बसर आराम से होता। मुंबई मेहनती और महत्वाकांक्षी युवकों के सपनों की नगरी है। संजय भी घर वालों से इजाजत लेकर सन 2005 में मुंबई आ गया था। मुंबई में उसके गांव के कई लड़के पहले से ही रहते थे, इसलिए मुंबई में संजय को किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। वह उन्हीं के साथ रहकर सोने चांदी के गहने बनाने और उन पर नक्काशी का काम करने लगा। कुछ दिनों तक इधर उधर काम करने के बाद बोरीवली की एक बड़ी फर्म में उसे काम मिल गया। यहां उसे ठीक ठाक पैसे मिलने लगे, ठीक ठाक कमाई होने लगी तो पैसे इकट्ठा करके उसने अंधेरी पूर्व के गौतम नगर में एक मकान खरीद लिया। वह अकेला ही रहता था, इसलिए दीपांकर और संजीव को भी उसने अपने साथ रख लिया। संजीव उसी के गांव का रहने वाला था, जबकि दीपांकर पात्रा दूसरे गांव का रहने वाला था। बाद में दीपांकर ने ही उसकी शादी अपनी दूर की रिश्तेदार अनुभा से करा दी, वह उसका रिश्तेदार हो गया। यह सन 2001 की बात है। चूंकि संजय के पास अपना मकान था, इसलिए शादी के बाद वह पत्नी अनुभा को मुंबई ले आया। उसके मकान में दो कमरे थे, इसलिए अनुभा के आने के बाद भी उसके दोनों दोस्त भी उसी के साथ रहते रहे। साल भर बाद अनुभा ने एक बेटी को जन्म दिया। सभी उस बच्ची को खूब प्यार करते थे, उनके लिए वह खिलौने की तरह थी, इसलिए वे उसे खूब खिलाया करते थे। कहा जाता है कि आदमी की नीयत कब बदल जाए, कहा नहीं जा सकता है। ऐसा ही संजीव के साथ हुआ। इसकी नीयत अनुभा पर बिगड़े लगी। उसकी नीयत खराब हुई तो वह उसके नजदीक जाने की कोशिश करने लगा। देखने में भले ही सब कुछ पहले की तरह ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन ऐसा था नहीं। अब अनुभा को देखते ही संजीव का मन मचल उठता था। उसे संजय से इश्रिया होने लगी थी। जल्दी ही अनुभा को भी संजीव के दिल की बात का आभास हो गया। संजीव उसके ज्यादा से ज्यादा नजदीक आने की कोशिश में लगा था। सभी सुबह काम पर जाते तो शाम को ही आते, सब साथ साथ खाना खाते, हंसी मजाक करते और फिर सो जाते। दो कमरे के उस मकान में एक कमरे में संजय अपनी पत्नी के साथ सोता था तो दूसरे कमरे में दीपांकर और संजीव। संजीव संजय और अनुभा की बातें तथा हंसी ठिठोली सुनता तो उसके सीने पर सांप लौटने लगता। उसे संजय से जलन होने लगती। वह सोचता कि काश संजय की जगह अनुभा उसकी बाहों में होती। आखिर संजीव का यह सपना पूरा हो ही गया। अनुभा गर्भवती हुई थी तो संजय से ज्यादा संजीव उसका ख्याल रखता था। जब कभी संजय काम अधिक होने की वजह से देर में आता तो संजीव समय पर घर आकर घर के कामों में अनुभा की मदद ही नहीं करता, बल्कि उसके खाने पीने का भी ध्यान रखता। उसकी इस सेवा का अनुभा पर खासा असर पड़ा और न चाहते हुए भी वह उसकी ओर खींचती चली गई। बेटी पैदा होने के बाद कुछ ऐसा संयोग बना कि दोनों के बीच की मर्यादा की दीवार ही ढह गई। पहली बार मर्यादा की दीवार टूटी थी तो दोनों को अपने किए पर पछतावा हुआ था, लेकिन जो नहीं होना चाहिए था वह हो चुका था। भले ही उन्हें अपने किए पर पछतावा हुआ था,
लेकिन उनके कदम यहीं रुके नहीं। आगे भी अनुभा और संजीव को जब भी मौका मिला, वे संजय के साथ विश्वासघात करने से नहीं चुके। अनुभा और संजीव जो भी करते थे पूरे चौकस होकर करते थे, लेकिन उनके ये संबंध ज्यादा दिनों तक छिपे नहीं रह सके। संजय को पत्नी और संजीव के संबंधों के बारे में पता चल ही गया। काम पर तो तीनों साथ साथ जाते थे, लेकिन कोई न कोई बहाना बना करके संजीव बीच में आ जाता था। अनुभा के साथ मौज मस्ती करके वह फिर काम पर पहुंच जाता। ऐसे में पड़ोसियों को शक हुआ तो उन्होंने यह बात संजय को बताई। संजय को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसे अपने दोस्तों और पत्नी पर पूरा भरोसा था। अनुभा और संजीव संजय के इसी विश्वास का फायदा 3 सालों तक उठाते रहे। आखिर एक दिन जब उसने अपनी आंखों से दोनों को एक दूसरे की बाहों में देख लिया, तो उसे अनुभा और संजीव की इस बेवफाई से गहरा आघात लगा। उसने संजीव को खूब खरी खोटी सुनाई और उसी समय घर से निकाल दिया। पत्नी को भी उसने खूब धिक्कारा। संजीव ने संजय का घर भले छोड़ दिया, लेकिन अनुभा को नहीं छोड़ा। अनुभा से अपने संबंध रखे रहा। मौका मिलते ही वह अनुभा के पास आ जाता और इच्छा पूरी करके चला जाता। इसमें अनुभा भी उसकी मदद करती थी। इस बात को लेकर संजय और अनुभा के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। बात बढ़ जाती तो संजय अनुभा की पिटाई भी कर देता था, लेकिन मारने पीटने और समझाने का अनुभा पर कोई असर नहीं हुआ। तब संजय ने अनुभा को संजीव से अलग करने का दूसरा उपाय सोचा। परिचितों की मदद से उसने अपना गौतम नगर वाला मकान बेच दिया और अंबरनाथ तहसील के नेवाली गांव की आकृति चाल में एक अच्छा सा मकान खरीद लिया। 12 नवंबर 2015 को पूजा पाठ कराकर वह पत्नी अनुभा, बेटी और दीपांकर के साथ उसमें रहने आ गया। नेवाली आने के बाद संजय को लगा कि अब संजीव अनुभा के दिल से निकल जाएगा, अनुभा भी धीरे धीरे उसे भूल जाएगी। यह सोचकर संजय अपने काम में व्यस्त हो गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। न तो संजीव अनुभा को भूल पाया और न अनुभा ही उसे दिल से निकाल पाई। अनुभा से अलग हुए संजीव को 10 दिन भी नहीं हुए थे कि वह उसके लिए तड़प उठा। यही हाल अनुभा का भी था। दीपावली का त्योहार नजदीक था, इसलिए काम ज्यादा था। संजय को रात में भी काम करना पड़ता था। इस बात की जानकारी संजीव को थी ही, इसलिए जब संजय रात को काम के लिए कंपनी में रुक जाता तो संजीव उसके घर पहुंच जाता। एक रात तबीयत खराब होने पर संजय अचानक घर पहुंचा तो वहां संजीव को देखकर दंग रह गया। संजय को देखकर संजीव और अनुभा के जहां होश उड़ गए, वहीं संजय का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। उसके गुस्से को देखकर संजीव तो भाग गया, लेकिन अनुभा कहां जाती। संजय ने सारा गुस्सा उसी पर उतार दिया। उसने उस दिन उसकी जमकर पिटाई की। पत्नी को मार पीट कर वह घर से बाहर निकल गया। संजय के घर से बाहर जाने के बाद कुछ देर तक तो अनुभा रोती रही। उसके बाद उसे अपने और संजीव के बीच रोड़ा बनने वाले संजय से इस तरह नफरत हुई कि उसने तुरंत एक खतरनाक फैसला ले लिया। उसने उसी समय संजीव को फोन करके कहा, संजीव अब बहुत हो चुका, संजय को अपने रास्ते से हटाना ही होगा। हमारे संबंधों को लेकर जब देखो तब वह मुझे मारता रहता है। शहर से लेकर गांव तक मुझे बदनाम भी कर दिया है। मेरा जीना हराम हो गया है। उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। लोग मुझ पर थूक रहे हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ इस किस्से को ही खत्म कर दिए जाए। अनुभा की बात सुनकर संजीव का दिमाग घूम गया। उसने अनुभा को धीरज बंधाते हुए कहा, ठीक है, मैं उसकी व्यवस्था कर दूंगा। तुम कल 8:30 बजे आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, अनुभा ने कहा और फोन काट दिया। 23 नवंबर 2015 को संजीव ने बाजार जाकर एक तेज धार वाला चाकू खरीदा और ठीक समय पर संजय के घर पहुंच गया। संजय उस समय तक घर नहीं आया था। अनुभा ने उसे पीछे वाले कमरे में छिपा दिया और संजय के आने का इंतजार करने लगी। उस समय दीपांकर घर पर नहीं था, वह अपने एक दोस्त के यहाँ गया था। रात 10 बजे के करीब संजय घर आया तो अनुभा मुंह फुलाए बैठी थी। संजय ने उससे खाना मांगा तो खाना देने के बजाय वह उससे उलझ पड़ी और उसे कसकर पकड़ लिया। इसके बाद अंदर छिपा बैठा संजीव एकदम से बाहर आया और साथ लाए चाकू से उसके गले पर हमला कर दिया। चाकू लगने से संजय चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। दोनों ने उसे तब तक दबोचे रखा जब तक वह मर नहीं गया। संजय मर गया तो वे उसकी लाश को ठिकाने लगाने की तैयारी करने लगे। संयोग से उसी समय मौसम खराब हो गया और तेज बारिश होने लगी। बरसात की वजह से बस्ती के लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए तो उन्हें लाश को ठिकाने लगाने का अच्छा मौका मिल गया।
दोनों ने लाश को एक प्लास्टिक की मोटी थैली में लपेटकर कैरी बैग में भरा और रात करीब 2 बजे उसी बारिश में ले जाकर बस्ती से लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित घनी झाड़ीपों में फेंक दिया। पूछताछ के बाद जितेंद्र आगरकर ने हत्या के इस मामले को अपराध संख्या 346/2015 पर दर्ज कराकर अनुभा और संजीव को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहोगे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।